हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोटर ब्लॉगिंग चैनल बाइकर फेथ। तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाइए, साथ ही ना भूलिए इस बेल आइकन को दबाना सबसे लेटेस्ट और फास्ट वीडियो देखने के लिए, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एंड आई एम ऑलमोस्ट रेडी फॉर लीव। बस जल्दी से अपना लगेज सेट करता हूँ, उसके बाद चलता हूँ। ओके गाइस, सो आई एम ऑल सेट नाउ, लेट्स सी राइड कैसा होने वाला है। बाइक पूरी तरीके से रेडी है, मेरा लियोपार्ड का टैंक बैग, माय सैडल बैग्स एंड फॉग लाइट एंड फॉर दिस फ्लैग इज़ फॉर ओनली फॉर इंटरनेशनल राइड। ये इंटरनेशनल राइड के बाद मैं इसे निकाल दूंगा, बिकॉज प्रैक्टिकली इंडिया पे नॉर्मली राइड करने के लिए अलाउ नहीं। माई यूट्यूब लोगो, लेट्स सी कैलकुलेटर गाइस। राइड की शुरुआत ऑफ रोडिंग के साथ, क्वाइट ऑब्वियस, अगर फिल्टर से राइड शुरू करते हैं तो जब तक ऑफ रोड नहीं जाओगे तब तक आपको मुझे अराउंड 5 के आसपास निकलना था, 5:30, लेकिन मेरे निकलते निकलते 6:55 हो गया। यहाँ पे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इट्स ओके। शायद पहले मैंने वीडियोस में इन रास्तों को बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो फिर से ये दिखाना कुछ बनता तो नहीं है। मेघालय पहुंच के शूट करता हूँ। दिस टाइम आई एम एक्सट्रीमली लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया यार। सच अ वंडरफुल व्यू, मैं कितना दिखा पा रहा हूँ दैट्स, बट इट्स रियली नाइस। बहुत ही शार्प टर्न्स हैं, बट इट्स कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम। लास्ट टाइम से अभी रास्ता बहुत अच्छा कर दिया है, सो राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। नॉट एग्जैक्टली सिलचर के साइड में इतना अच्छा नहीं हुआ है, बट इन मेघालय घुस चुका हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा रास्ता मिल रहा है, बट मिडिल में बहुत ज़्यादा लंबे मतलब डिस्टेंस पे ख़राब रास्ता आ जाता है। लो नाम लिया, सामने आ गया फिर से। तो कहीं ये ख़राब रास्ता दिखा के तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो मेघालय घुस के रिकॉर्डिंग भी, मेघालय ऑलरेडी घुस चुका हूँ, आई मीन टू से कि और थोड़ा हिल में जाके शुरू करता हूँ रिकॉर्डिंग। आई होप वहाँ पे अच्छा रास्ते मुझे मिल जाए। वाओ नाइस, हम लोग जब भी लॉन्ग राइड पे जाते हैं या फिर राइट नाउ आई एम गोइंग फॉर अ इंटरनेशनल राइड, तो मेरे सारे पेपर्स एवरीथिंग सब कुछ एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, सो आई डोंट थिंक कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फाइनली अभी लाटुमबाई पहुंचा हूँ, नाइट 9:10। मैं घर से निकला था अराउंड इट्स अराउंड 6:55 to 6 एंड 9:10 पे मैं लाटुमबाई पहुंचा हूँ। आई नो थोड़ा फास्ट है, फॉग से मेरी ऑलमोस्ट हालत ख़राब हो चुकी है। थैंक गॉड कि मुझे थोड़ी सी चाय मिल गई, मेरे हाथ ऑलमोस्ट जम चुके हैं। विद इन और 3 आवर्स के अंदर मैं गुवाहाटी पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ा जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज मुझे गुवाहाटी जाके साउंड यार
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द गुवाहाटी पहुँच जाऊँ, बिकॉज वहाँ पे जाके मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी पड़ेगी फॉर दिस इंटरनेशनल राइड। एंड लेट्स सी, देखता हूँ यार, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सो गाइज आई एम रेडी टू लीव। मैंने गर्मा गर्म भाई दो तीन चाय पी ली, आई एम फीलिंग मच बेटर। एक्चुअली यार मेरी कुल्फी जम गई यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा है मेघालय में, एंड इतना फॉग था आने के टाइम पे कि कुछ नहीं कर सकता मैं। ऊपर से जैकेट अच्छा है, इसमें अंदर थर्मल लाइन और सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इट्स गुड, बट अनफॉर्चुनेटली ये ठंडी का लेवल उससे बहुत ज़्यादा है, सो कुछ कर नहीं सकता यार। आई डोंट नो, अब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे माइनस पे जा रहा है सब कुछ। लेट्स सी, ओह माय गॉड। तो ओके गाइस, भाई तूने मेरे लिए जगह कहाँ छोड़ा बता दो। हेल मैन, मैं टाइगर नहीं चला रहा हूँ, पल्सर चला रहा हूँ, ये इतना ऑफ रोड चलेगा नहीं यार, ग्राउंड क्लियरेंस कम है।
यार बाइक का सबसे ज़्यादा फायदा यही है कि कितना भी जैम निकल जाए या लग जाए बहुत लंबा, जैसे अभी भी लास्ट 30-40 मिनट से जैम में ही बाइक चला रहा हूँ। जस्ट रीच सिलचर गुवाहाटी बाईपास एंड नाउ इट्स कितना टाइम हो रहा है यार, देख लेता हूँ। इट्स 10:40 इन द मॉर्निंग। अभी मैं सिलचर गुवाहाटी शिलोंग गुवाहाटी बाईपास में हूँ। अब डिपेंड करता है कि मुझे कौन सा रूट फॉलो करना है। सो गाइज मैं शिलोंग तो घुस नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ से गुवाहाटी बाईपास लूँगा और बाईपास से मैं जितना जल्दी हो सके गुवाहाटी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओके, अभी रेड लाइट है, आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम। आफ्टर 1 मिनट के बाद ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, इसके बाद मैं कैरी ऑन करूँगा। आई डोंट थिंक यहाँ से गुवाहाटी अगर एवरेज 130-135 किलोमीटर भी होने से विद इन 1.5 आवर या 1 आवर के अंदर मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्पीड को 100 and 110 किलोमीटर पर आवर में मेजर करके रखूँ। लेट्स सी, वहाँ पे होटल पहुँच के बात करता हूँ। बहुत ज़्यादा सनी है, अभी गर्मी लग रही है। लिटरली मॉर्निंग को जब निकला था इतना फॉग था, मेरे हाथ पैर जम गए थे बात नहीं किया जा रहा था मुझे, एंड अभी हेयर्स की हालत ख़राब हो गई यार। ओके, फिर पहुंच के बात करता हूँ मैं, बाय। ये है सिलोंग का रास्ता एंड बाईपास होते हुए डायरेक्टली गुवाहाटी जा रहा हूँ। एंड ये शिलोंग का वन ऑफ द बेस्ट लेक है जो कि सीधा जाके ऑर्किड रिजॉर्ट तक घुमा हुआ है। और अगर कोई आया है शिलोंग तो उसे ऑर्किड रिजॉर्ट के बारे में पता ही होगा, वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट इन शिलोंग, इन मेघालय इंटायर इनफैक्ट। सो आई होप कि रिटर्न के टाइम में मैं ऑर्किड रिजॉर्ट में घुसूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी फिर से कैरी ऑन करता हूँ। इट्स रियली वंडरफुल व्यू यार, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है।